तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप यूपी डीएलएड 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है अपने, वहाँ पर सिंपली वहाँ पर टाइप कर देना है आपको यूपी डीएलएड। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार यूपी डीएलएड की आधिकारिक वेबसाइट जो है updlet.gov.in आपके सामने आ जाएगा, वहाँ पर आपको ओके कर देना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार आपकी वेबसाइट खुलेगी, जहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिख रहा है यूपी डीएलएड 2024 रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट 20 डे 11 आवर्स 50, यानी कि ये आपको टोटल यहाँ पे टाइमिंग बताता रहेगा कि आपके पास अभी कितना समय बचा है फॉर्म कंप्लीट करने के लिए। तो आपको सीधा यहाँ से स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है, जहाँ पर लिखा है यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले आप जब यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपको फिर से नेक्स्ट पेज पर लेकर जाएगा। पहले आप यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड आपके सामने खुल के आ जाएगा डीएलएड 2024 के लिए, जहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ नोटिस मिलेगी। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जनरल गाइडलाइन फॉर स्टूडेंट क्या है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस किसकी कितनी है, और गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग फोटोग्राफ क्या है, ये सब आप डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको जो मेन है वो आपको सबसे पहले बता देते हैं कि जिससे वीडियो लंबा ना हो, रजिस्ट्रेशन अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर व्यू पे क्लिक करेंगे, ये आपका पीडीएफ जो है आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो गया, फाइनल इस पर क्लिक करेंगे, अब नोटिस को पढ़ेंगे। जो मेन नोटिस में मेन चीज़ें ही देखना है, क्योंकि कैटेगरी में कितना शुल्क लगेगा, सामान्य के लिए 700 रुपये, SC ST के लिए 500 और जो हैंडीकेप है उनके लिए 200 रुपये। तो फिर वापस हम बैक पे आ जाएंगे। अब आपको सबसे पहले यहाँ देखना क्या है कि स्टेप क्या है। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है पे रजिस्ट्रेशन फीस, तीसरा फिल कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अपलोड स्कैन फोटोग्राफ, डाउनलोड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको फीस पे करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको अपना पूरा फॉर्म कंप्लीट करना पड़ेगा, अपलोड स्कैन फोटो सिग्नेचर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाकर आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपना डीएलएड का फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको इंतज़ार करना है कि आपकी काउंसलिंग कब होगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 18 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, 9 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा, 10 अक्टूबर फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है, 12 अक्टूबर तक आपको हर हाल में अपना डीएलएड का फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। फॉर्म भरते समय कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सिंपल प्रोसेस है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप फ़ोन से भर पा रहे हैं तो भरिए, नहीं भर पा रहे हैं तो नज़दीकी जनसुविधा केंद्र कंप्यूटर की दुकान पर सहयोग लेकर भरवा सकते हैं। और अगर वो सब भी नहीं झंझट में पढ़ना है तो जिस विद्यालय में आपको पढ़ना हो, मतलब काउंसलिंग करानी हो, उस विद्यालय में संपर्क करिए, विद्यालय वाले आपका फॉर्म हो सकता है बिना पैसे लिए ही भर दें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।